नमस्कार दोस्तों, आप सबको दीपावली की एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं। और दीपावली इस बार खास इसलिए भी है क्योंकि दीपावली से एक दिन पहले भारत ने पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में हराया। दोस्तों हालात इतने खराब थे, 41 रनों पर भारत के 4 विकेट गिर गए थे, मगर फिर ये शख्स सामने आता है, किंग विराट कोहली। वो विराट कोहली जिनका फॉर्म बद से बदतर चल रहा था, मगर फिर वो एक करिश्माई इनिंग्स खेलते हैं, एक करिश्माई पारी खेलते हैं और आखिरी बॉल में भारत जो है वो पाकिस्तान पर जीत दर्ज कर लेता है। एक वक्त ऐसा था जब हमारी जीत नामुमकिन थी, मगर इस शख्स विराट कोहली जिन्हें मैं किंग कोहली कहता हूं, उन्होंने इस जीत को संभव कर दिखाया। और आप जानते हैं विराट कोहली की इनिंग्स हम सब के लिए प्रेरणा इंस्पिरेशन क्यों है, क्योंकि आप और हम सब कभी ना कभी अपनी जिंदगी में डिप्रेशन का शिकार हुए हैं या मानसिक तौर पर अच्छे हालात में नहीं रहे हैं। विराट कोहली की ये इनिंग्स हम सबको प्रेरणा दे रही है। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, इनिंग्स से पहले उनके बारे में किस तरह के आर्टिकल सामने उभर कर आए थे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, उनसे इंटरव्यू किया गया था और उस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि क्या आप डिप्रेशन का शिकार हैं, क्या मानसिक तौर पर आप जो हैं बहुत खराब महसूस कर रहे हैं। तो इसका जवाब विराट कोहली ने कहा था, हां मैं डिप्रेशन का शिकार हूं, मानसिक तौर पर मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं, यह अच्छा नहीं लगता कि आप सुबह सुबह उठें और आपको ऐसा लगे कि आप आज अच्छा नहीं खेल पाएंगे। इस तरह की मानसिक स्थिति से हर बैट्समैन को गुजरना पड़ता है और मैं भी इन हालात से गुजरा। तो एक व्यक्ति जो डिप्रेशन का शिकार था, वो एक बहुत ही मुश्किल मैच में बैटिंग करने को आता है और महज 53 गेंदों में 82 रन बनाता है दोस्तों। और आपको याद होगा 19वां ओवर, वो आखिरी 2 गेंदे और किंग कोहली 2 सिक्सेस मारते हैं, 2 छक्के मारते हैं और पाकिस्तान के हौसले पस्त कर देते हैं। यह अपने आप में एक चमत्कार है दोस्तों, और चमत्कार इसलिए है क्योंकि विराट कोहली की लगातार आलोचना की जा रही थी। न सिर्फ उनकी आलोचना की जा रही थी बल्कि उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा को भी घसीटा जा रहा था। आपको याद होगा दोस्तों, वर्ल्ड कप में इससे पहले भी जब वर्ल्ड कप हुआ था, जब भी विराट कोहली आउट हुआ करते थे तो कैमरा अचानक उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा को दिखाया करता था और देश में एक बहुत बड़ा तबका उनके खराब खेल के लिए उनकी पत्नी पर दोष मढ़ रहा था। यही नहीं, एक वाहियात फिल्म क्रिटिक है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, वो जो 2 रुपल्ली ट्रोल है, उसने ये तक कहा था कि विराट कोहली की डिप्रेशन की वजह अनुष्का शर्मा है, या फिर अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली को बताया होगा कि भाई तुम डिप्रेशन का शिकार हो। सिर्फ विराट कोहली पर हमला नहीं किया जा रहा था, उनके परिवार पर भी हमला किया जा रहा था। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब विराट कोहली मोहम्मद शमी के पक्ष में आए थे, आपको याद होगा हम पाकिस्तान से एक मैच हार गए थे, तब एक बहुत बड़े तबके ने मोहम्मद शमी पर उनके मजहब की वजह से उन पर निशाना साधना शुरू किया था। विराट कोहली मोहम्मद शमी के पक्ष में आए थे और फिर आपको याद होगा हैदराबाद के एक इंजीनियर ने उनकी मासूम बच्ची पर बलात्कार करने की धमकी दी थी। तब आपको याद होगा भाजपा समर्थक खेमा जो था, उनके कई समर्थक ये कह रहे थे कि जिसने धमकी दी है वो भारत का रहने वाला नहीं है, वो पाकिस्तान का रहने वाला है। बाद में पता चला कि वो हैदराबाद का एक इंजीनियर था और फिर उसे गिरफ्तार किया गया था। यानी सोचिए विराट कोहली किन हालात से गुजर रहे थे, उनकी पत्नी पर निशाना, उनकी मासूम बेटी पर बलात्कार की धमकी और खुद उनका खराब फॉर्म, और उसके चलते वो डिप्रेशन में आ गए थे। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, इस मैच से ठीक पहले उन्होंने क्या कहा था, स्टार स्पोर्ट्स को उन्होंने इंटरव्यू में दिया था। विराट कोहली ने कहा, पहली बार 10 साल में ऐसा पहली बार हुआ था जब मैंने 1 महीने तक अपने बल्ले को नहीं छुआ था, 1 महीने तक बल्ले को नहीं छुआ था। और तब मैंने खुद से कहा था, अरे बाप रे, 1 महीना गुजर गया है और मैंने अब तक बल्ला नहीं छुआ। विराट कोहली आगे कहते हैं कि मैं अपना जो उग्र रवैया था ना, उसे बहुत गंभीरता से लेना शुरू कर दिया था, अपनी इंटेंसिटी को मैंने बहुत गंभीरता से लेना शुरू कर दिया था। आपको याद होगा दोस्तों, अक्सर क्रिकेट के मैदान में विराट कोहली खेलते खेलते बहुत ज्यादा उग्र हो जाते थे
और उग्र होते होते अक्सर उनके मुंह से गाली भी निकलती थी। उसकी ढेरों तस्वीरें हमारे सामने, ढेरों वीडियोज है हमारे सामने। अब वो जो इंटेंसिटी है उनकी, वो जो उग्र रवैया है जो उनको विजेता भी बना रहा था, वो कहीं ना कहीं उनके गले की फांस बन गई थी और विराट कोहली के लिए ये मुश्किल का सबब बन गया था। विराट कोहली ये भी कहते हैं कि मेरा शरीर मुझसे बार बार कह रहा था कि रुक जाओ, थम जाओ, क्योंकि मैं बाकी क्रिकेटर्स की तुलना में कहीं ज्यादा खेल खेल रहा था। ये ना भूलें कि वो T20 खेल रहे हैं, टेस्ट खेल रहे हैं, वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं, IPL खेल रहे हैं। तो जब आप ये तमाम क्रिकेट खेल रहे हैं और जब आपकी उम्र हो 33 साल, ये तमाम जो कॉम्बिनेशंस हैं वो आपके शरीर पर एक बहुत ही प्रतिकूल असर डालते हैं, एक बहुत ही उल्टा असर डालते हैं, जिससे आपका खेलना मुश्किल हो जाता है। ऊपर से अगर आपका खराब फॉर्म चल रहा हो तो आपके लिए और मुश्किलात पैदा होती हैं, और जिसकी वजह से विराट कोहली डिप्रेशन में चले गए थे। मगर अच्छी बात यह है दोस्तों कि विराट कोहली का साथ उनकी अपनी टीम ने दिया। आपकी स्क्रीन्स पर KL राहुल, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के वाइस कैप्टन हैं, उन्होंने क्या कहा आपकी स्क्रीन्स पर, आई एम श्योर दैट गुड थिंग्स विल हैपन एंड वी ऑल ईगली वॉन्ट विराट टू गेट बैक द विराट कोहली फॉर्म, वी आर नॉट वॉरिड एज एन इंडियन टीम। हम सब चाहते हैं कि विराट कोहली अपना फॉर्म दोबारा हासिल करें, कह रहे हैं KL राहुल, और हुआ भी यही। ये जो इंटरव्यू KL राहुल ने दिया था भारत और पाकिस्तान के मैच से ठीक पहले दिया था दोस्तों, और आपके सामने नतीजा है। यही नहीं, दुनिया के कई खिलाड़ी इस वक्त जो हैं वो विराट कोहली के पक्ष में। आपके सामने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम, क्या आप जानते हैं कि बाबर आजम जो हैं वो विराट कोहली के बहुत बड़े फैन हैं। इतने बड़े फैन हैं कि उन्होंने कहा कि जिस तरह से विराट कोहली ने ये इनिंग्स खेली है वो शायद उनकी जिंदगी की सबसे शानदार इनिंग्स है। आपके सामने ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन, शेन वॉटसन ने क्या कहा, ही इज टू गुड नॉट टू बी एबल टू फाइंड हिज ग्रूव, इट विल ओनली टेक हिम अ कपल ऑफ बॉल्स, गेट इन टू द बैटल अगेन एंड अवे ही गोज। शेन वॉटसन यहां क्या कह रहे हैं, शेन वॉटसन यहां कह रहे हैं कि विराट कोहली इतने बेहतरीन खिलाड़ी हैं कि उन्हें महज 2 या 3 गेंदों की जरूरत है, और उन 2 या 3 गेंदों को वो अच्छे से खेलेंगे और वो बेहतरीन फॉर्म में दोबारा आ जाएंगे, ऐसा शेन वॉटसन ने कहा है दोस्तों। तो एक तरह से आप कह सकते हैं दोस्तों कि चाहे शेन वॉटसन हो, चाहे बाबर आजम हो, सबने विराट कोहली को अपना समर्थन दिया। और जैसे कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बतलाया कि विराट कोहली हम सब के लिए एक प्रेरणा है, क्योंकि देखिए आप और हम में से कई लोग परीक्षाओं के लिए जो हैं जद्दोजहद कर रहे हैं, अक्सर हमें असफलता का सामना करना पड़ता है। हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भाग ले रहे हैं, अक्सर हमें असफलताओं का सामना करना पड़ता है। कुछ युवा जो हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, मानसिक तौर पर बहुत ही न्यूनतम स्तर पर चले जाते हैं, और कई लोग इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि कुछ युवा तो आत्महत्या कर लेते हैं। आप बताइए ना, विराट कोहली ने किन किन चीजों का सामना नहीं किया, खराब फॉर्म, परिवार पर हमला, पत्नी पर हमला, बेटी पर हमला। यह ना भूलें, एक इंसान की जिंदगी में 3 औरतें उसके लिए सबसे अहम किरदार निभाती हैं, उसकी मां, उसकी पत्नी और उसकी बेटी। विराट कोहली की बेटी और पत्नी दोनों पर अश्लील हमला किया गया, वो इस मानसिक हालात से गुजर रहे थे, और बावजूद इसके उन्होंने अपने खराब फॉर्म पर निगाह डाली, उससे आगे बढ़े और बेहतरीन खेल का परिचय दिया। और मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों इस T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। तो विराट कोहली उन युवाओं के लिए एक जबरदस्त प्रेरणा है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ रहे हैं, जो परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं। हम सब के लिए विराट एक इंस्पिरेशन है। और यह ना भूलें, आम जिंदगी में भी हम कई हालात से गुजरते हैं। कई बार हम जिस तरह से अपनी जिंदगी को प्लान कर रहे होते हैं, जिंदगी वैसे नहीं होती है, और तब हमें चाहिए होती है एक इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा। विराट कोहली उसी तरह से एक इंस्पिरेशन के तौर पर, एक प्रेरणा के तौर पर हमारे सामने आए हैं।
किंग कोहली को मेरा सलाम, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप और हम सब विराट कोहली की शख्सियत से, उनसे इंस्पायर होके आगे बढ़ सकते हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।